ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 4 अगस्त की शुरुआत में पहुंचे हैं। हमारे जीवन में नई नई स्मृतियाँ, हमारे भाग्य की खुलने की स्मृतियाँ, क्या क्या पाया है परमात्मा से हमने, अगर इसको ही अगर हम याद करें तो हमारी मेडिटेशन या हमारे एफर्ट्स जो है मेडिटेशन में बहुत आसान हो जाएंगे। जबकि अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ याद करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, प्रकाश हूँ, परमपिता परमात्मा बिंदु प्रकाश, इन सिर्फ इतना ही मेडिटेशन करने से बोरियत आ जाती है, बोरिंग लगता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भवा, नए नए अनुभव का रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भवा। तो ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लास्ट जन्म होने के कारण सारे चक्र 84 के चक्र में, ये लास्ट जन्म 84वां चक्र है अगर हमारा, उसमें लास्ट जन्म है अगर हमारा, तो उस चक्र में हमारा शरीर कमजोर या बीमार हो सकता है। बिकॉज 5 तत्व भी इम्प्योर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा इम्प्योर हो चुकी हैं, इसलिए हमारा शरीर भी जो है 5 तत्व से इम्प्योर मिला हुआ है। लेकिन मन सबका दुरुस्त है, तो मन में हमारा एक्साइटमेंट रहती है, परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है, कुछ प्राप्तियाँ होती हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, 1 सेकंड में परमधाम पहुँच गए, 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक पहुँच गए, 1 सेकंड में इस दुनिया में आ गए वापस। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो कि मैंने किसको पा लिया, परमात्मा को पा लिया, मैंने अपने आप की पहचान पा ली, मैंने परमधाम को पहचान लिया, मैंने इस चक्र को पहचान लिया, मैंने सारे सीक्रेट्स को पहचान लिया इस दुनिया के, और क्या चाहिए हमें। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ कि मेरे अंदर परमात्मा ने सुख डाल दिया, शांति डाल दी, प्रेम डाल दिया। तुलना करो उसको पहले अपने मेडिटेशन ना सीखे हुए समय को, याद करें कि उस समय की शांति और अभी की शांति में कितना फर्क है, प्रेम में कितना फर्क है, आनंद में कितना फर्क है, खुशी में कितना फर्क है, संतुष्टता में कितना फर्क है, बातचीत बोलचाल में कितना फर्क है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी, बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट गुणों को उठा लिया, किसी ना किसी दिन किसी शक्ति को उठा लिया, सहन करने की शक्ति बढ़ी है मेरे अंदर, या मेरे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ी है, या मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति बढ़ी है, या मेरे अंदर प्रेम बढ़ा है, मेरे अंदर आदर बढ़ा है, मेरे अंदर सादगी बढ़ी है मेरे अंदर, या मेरे अंदर किसी के प्रति करुणा बढ़ी है। अगर ये हमारे अंदर गुण बढ़े हैं तो इसके ऊपर भी मेडिटेट किया जा सकता है। एंड परमात्मा ने यहाँ पे अमृत वेले से कहा है, तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती हैं ताकि हर समय हमारा नवीनता से भरा हुआ हो, बोरियत ना हो मेडिटेशन करते हुए या तपस्या करते हुए। ओम शांति के साथ।